खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। एक जमाना था जहां अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया करते थे, क्योंकि निजी स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर सरकारी स्कूलों के शिक्षक होते थे। लेकिन जैसे जैसे राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना कम कर दिया, वैसे वैसे सरकारी स्कूलों की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। हालात ये हुए कि जो अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे। लेकिन आपको जो खबर सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिस बिहार को खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए बदनाम किया जाता है, उसी बिहार में एक ऐसा स्कूल है जहां के अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए नहीं, बल्कि एक सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए परेशान रहते हैं। पटना से महज 80 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड में पोखरपुर स्थित मध्य विद्यालय की चर्चा पूरे बिहार में है। यहाँ के छात्रों का ड्रेस कोड में आना, अनुशासन में रहना, अच्छी पढ़ाई करना, स्कूल में लाइब्रेरी, खेलकूद समेत दूसरे पठन पाठन के कार्य यहाँ के छात्रों के रोज की दिनचर्या है। स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि पिछले 6 सालों में 64 बच्चे सिमुलतल्ला और नवोदय समेत दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए चुने जा चुके हैं। दरअसल पोखरपुर का ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी हर मामले में बेहतर है, और वो भी कम संसाधनों में। यहाँ के स्टूडेंट्स इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत भी फराटेदार बोलते हैं। निजी विद्यालयों की तरह बच्चों के ड्रेस कोड होते हैं और अनुशासन के मामले में भी ये बेहतर साबित हो रहा है। वहीं स्कूल के छात्रों का कहना है कि यहाँ निजी स्कूलों के मुकाबले अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ हमारे सभी शिक्षक हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हमारा विद्यालय प्राइवेट स्कूल से भी यहाँ का अच्छा ड्रेस कोड है, जैसे टाई, बेल्ट, आइडेंटिटी कार्ड, मंत्रियों के लिए, मीना मंच के सक्रिय सदस्यों के लिए बैच, सब कुछ यहाँ सुविधानुसार उपलब्ध है। मन लगता है पढ़ने में? बहुत मन लगता है। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है, क्रीड़ा कक्ष है, कार्यालय है, जो कि अन्य विद्यालयों में बहुत कम देखने को मिलता है। हमने एक शिक्षक से बात की और उनसे समझना चाहा कि यहाँ की पढ़ाई की खासियत क्या है। हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे वर्ग 5 के बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है, और वर्ग 8 के बच्चों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, राष्ट्रीय ऐसा मेधा प्रतियोगिता परीक्षा, उसकी तैयारी हम लोग वर्ग 7 में ही, जब वे बच्चे रहते हैं उसी समय से उसकी शुरुआत कर देते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 3 बजे से 4 बजे का समय, जो सामान्य रूप से अन्य विद्यालयों में वो शिक्षण अवधि नहीं है, लेकिन उन बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वो अवधि रखा जाता है। उसके अलावा सप्ताह में एक दिन उनके लिए खेलकूद की और गतिविधि के लिए भी आवंटित है, तो उस दिन उनको खेलकूद के लिए। क्या रिजल्ट आया प्रतियोगिता परीक्षा में? पिछले साल इस विद्यालय से राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति में 20 बच्चे सफल हुए, जो पूरे राज्य में किसी एक शिक्षण संस्थान में सबसे अधिक है। वो उससे पहले भी यहाँ 16 या 17 बच्चे सफल हुए थे। अब तक के टोटल यहाँ से 64 बच्चे राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में, सिमुलतल्ला विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन विद्यालयों में भी कुछ बच्चों सफलता प्राप्त की और वहां पढ़ रहे। इलाके के लोगों का कहना है कि निजी स्कूलों के लिए ये सरकारी स्कूल अब चुनौती बन गया है। दरअसल अच्छी पढ़ाई और व्यवस्था की वजह से अभिभावक निजी स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर यहां दाखिला ले रहे हैं। हालांकि सीट और शिक्षक कम रहने के कारण नामांकन कम ही हो पा रहा है। अगर स्कूल जैसे हालात और भी स्कूलों में हो जाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार में सरकारी स्कूलों के हालात सुधर जाएंगे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी। नालंदा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।